ऑपरेटर से बात करने के लिए एक मिलाएं और टेक्निकल सपोर्ट के लिए दो मिलाइए। जी गुड मॉर्निंग, मुझे आरजू आईजे से बात करनी थी। वो कौन से डिपार्टमेंट में है? पता नहीं। जी समझ गया, चले बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हेलो सर, कैसे हैं आप? वो दरअसल मैं आरजू आईजे से बात करना चाहता था। अच्छा, तो वो यहाँ पर काम नहीं करती हैं? एक्सक्यूज मी, माफी चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे। यार उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। सुबह से हर बड़ी कंपनी में मैंने कॉल करके देख लिया कि वो शायद वहाँ पर काम करती हो, लेकिन वो नहीं मिल रही है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, इस लड़की के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, यार मैं इस दुनिया में क्यों रहता हूं आखिर? क्यों सिर्फ नाजली के लिए ही रहता हूं ना? अगर वो ना होती तो मर चुका होता मैं। कोई मकसद नहीं है मेरा इस दुनिया में इसके अलावा। बस ये वक्त पे जमा करवा देना वरना प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर। वो बेलमा के लिए और मुशाक साहब के लिए शुगर फ्री कॉफी बनाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या लेंगे? वैसे जो मुझे चाहिए है वो है तो सिर्फ आपके ही पास। मसलन दो प्यारी प्यारी आंखें, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मेरे जीने का सहारा बन चुकी है, फूलों जैसी खुशबू वाली जो किसी बाग में नहीं मेरे दिल में बसती है, मेरे जीने की वाहिद वजह है वो। तो बताइए क्या ये सब तैयार है? तैयार है। मेरी जान मेरी बात सुनो, ये सब क्यों किया तुमने? वो मैं बस। बस क्या बताओगी क्या मुझे? तुम्हें क्या लगता है ये जानकर मैं मजाक उड़ाता तुम्हारा? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? आरजू, मैं वो शख्स हूं जो तुमसे हर हाल में मोहब्बत करता रहेगा। जब बुढ़ापे में तुम्हारे दांत भी गिर जाएंगे तब भी, जब तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे तो उन हाथों का सहारा मैं बनूंगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी जान हो तुम। आरजू साहिबा, ये सब आप क्या कर रही हैं? मैं बताती हूँ आपको क्या कर रही हूँ। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, रिजाइन दे रही हूं। चलो शुक्र यार। हाय हाय। आरजू मैडम सुनिए, ये भूल गई आप। थैंक यू, इट्स ओके। शुक्र है आखिरकार मेरी जान छूट गई। यार जान हो तुम मेरी आरजू, प्यारी सी जान हो तुम मेरी जान हो। तुम अंदर कैसे आए हो? जैसे भी आया आ गया। अब बताओ ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है आखिर? वरना मैं कसम खाता हूं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं यहीं पे। तो मेहमान साहब बोलना शुरू कीजिए। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते।
यार कल रात तुम मेरे पास आए और मेरे मुंह पर मुक्का मारकर चले गए और तुमने दिल भर के मुझे गालियां भी दी। उसके बाद जब मैं आया तो दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे पे लिखा हुआ है ना, बगैर इजाजत अंदर आना मना है। मेरे भाई मेरे साथ ये गुंडागर्दी बंद करो और जो मैं यहाँ सुनने आया हूँ बस वही बात करो प्लीज, वक्त मत जाया करो। मैंने जो सुनना था सुन लिया, जो सुनाना था वो सुना दिया। चलो फिर देखते हैं कौन किसकी हड्डियां तोड़ता है आज। फिर दिल तो करता है तुम्हारे हाथ पैर बांध कर नाजली के पास फेंक दूं तुम्हें। क्या किया है मैंने? मैंने ऐसा क्या किया है जो ऐसे बात कर रहे हो? हाँ अच्छा सुनो, क्या नाजली ने तुम्हें कुछ बताया है? नाम मत लेना उसका, अपने गंदे मुंह से उसका नाम भी मत लेना। नाजली सिर्फ एक नाम ही नहीं जो मेरी जबान पर है। नाजली मेरी आंख है, मेरा हाथ है, मेरा दिल है, मेरा सब कुछ है और ये बात सबको बताऊंगा मैं। अल्लाह अल्लाह यार, मेरे भाई मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुझ पे भरोसा करूं तो कैसे करूं। ऐसे ही? ऐसे कैसे? मतलब जो तुम बता रहे हो अगर ये सब झूठ होगा ना तो ये याद रखना, मुझे साफ साफ पता चल जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, समझे? फिर मुझे रोकना मत, ठीक है? यार सब उल्टा है, बहुत ही ज्यादा उल्टा। असल में जरा गड़बड़ हो गई। गड़बड़? मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से। रुक जा मेरे भाई, दो मिनट मेरी पूरी बात सुन लो प्लीज। वैसे भी नाजली ने मुझे कहा कि वो सरदार से मोहब्बत करती है और वो उससे शादी भी करने वाली है। चलो ठीक है फिर आगे। यार वो यानी अमरीन, उस रात वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, यकीन करो। उसके अंदर से एक बेहुदा किस्म की, क्या बोलूं यार, औरत लड़की जो बोलो बाहर आ गई। आओ अमरीन ख्याल से प्लीज। आ गए हम। हाँ हाँ हाँ, तुम अपने घर हो। आ गए। वाह, तुम अपने घर आ गई। लाइट वहाँ है। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ओह, आज रात कितनी अच्छी थी नौजान, ये मेरी जिंदगी की बेस्ट रात थी और वो भी तुम्हारे साथ। वैसे बेडरूम कहाँ है तुम्हारा? ऊपर है। चलो मैं छोड़ता हूँ, फिर चलती रहो। मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। आराम से, देख कर। बस बस अब मैं ऊपर चली जाऊंगी खुद। क्या मस? तुमने क्या कहा? नहीं बस यही कहा कि तुम खुद जा सकती हो। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम मुझे इस तरह से पकड़ कर क्यों लेके जा रहे हो? मैं ठीक हूँ। चलो अब तुम यहाँ पे आराम से लेट जाओ। अमरीन तुम होश में नहीं हो अभी। ओजान प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ ना यहां से। देखो अमरीन, गुड नाइट। ओके ओजान, बाय, ख्याल रखना। ठीक है, वो देखो तुम्हारा बेड आ गया, लेट जाओ आराम से। तुम्हें आज रात बहुत अच्छी नींद आने वाली। आराम से आ जाओ, आ जाओ। ठीक है चलो अब तुम यहाँ पे आराम से लेट जाओ। प्लीज मत जाओ अमरीन, तुम होश में नहीं हो अभी। ओजान प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ ना यहाँ से। देखो अमरीन, गुड नाइट। ओके ओजान, बाय, ख्याल रखना। बेवकूफ मेहमत, ये सब मैं तुम्हारी पटियां पढ़ाने की वजह से ही भुगत रहा हूं। यार तुम कोई भी चीज बैलेंस ही नहीं कर पाते हो, क्या करें? कसम से भाई मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता। तुम चाहो तो मेरी बात पर यकीन कर लो, नहीं करना तो मत करो यार। नाजली को तो है ही नहीं यकीन। क्या वो गलत है? शुक्रिया दोस्त, बहुत मदद करते हो तुम हमेशा मेरी। एक तो मैं सोच नहीं पाता कि करूं क्या, ऊपर से तुम अपनी बातें सुनाते रहते हो और अब कह रहे हो नाजली सही समझ रही है। हद है यार। टंटन फोन बज रहा है तुम्हारा, उठाओ उसे। अमरीन की कॉल। ओजान फॉर गॉड से कहाँ हो तुम? जब से ऑफिस खत्म हुआ है तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड एज यूजुअल तुमने फोन चार्ज पे लगाया हुआ होगा। ओजान खुदा के लिए बहुत हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो?
ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन पा रहे हो और ना ही ड्राइवर बन पा रहे हो। तुम डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? यार देखो, रुको, गाड़ी से बंदे को मार दिया तुमने। क्या? क्या मुझे मार दिया यार? क्या तुम्हें नजर नहीं आते? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कर क्या रहे हो तुम? मैं वो बंदा हूं जिसको तुमने गाड़ी से मार दिया है। अमरीन सुनो, गड़बड़ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है मेरा, किसी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। क्या एक्सीडेंट हो गया है? उसकी हालत कैसी जिसको लगी है? एनीवेज तुम एक काम करो, मुझे जल्दी से बताओ हॉस्पिटल कहाँ है, मैं आ रही हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, वो आदमी खुद गाड़ी से टकराया। ज्यादा सीरियस बात नहीं है, बस छोटी मोटी चोटें आई हैं उसे। अरे लेट जाओ लेट जाओ, हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ। अमरीन मुझे डॉक्टर को देखना है, मैं बात करता हूँ। ये क्या हो गया? शुक्र यार, देख लिया खुद तुमने किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। मेरे पास इसका एक ही हल है। वो क्या? तुम अब सब कुछ खत्म कर दो, मतलब ये जो बिलावजे का खेल तुम खेल रहे हो इसको खत्म करो यार। पिछले 6 महीने में जो कुछ हुआ है नाजली को बताओ, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात पे यकीन करके वापस आ जाएगी। यार मुझसे मजाक कर रहे हो क्या तुम? ये और कोई रास्ता नहीं है उजान, जो शक उसके दिमाग में है ना उसे कोई फरिश्ता भी क्लियर नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा। देखो अपनी सफाई का सबूत तो दे नहीं सकते, गवाह भी नहीं है। अब इस मसले को अगर कोई हल कर सकता है तो वो तुम दोनों हो। खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करो यार, प्लीज। दोनों तकलीफें उठा उठा के पागल हो चुके हो। कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें? कसम से किस इंसान से बात कर रहा हूं यार मैं। अब जो करना है तुम्हें करो भाई, मैं भी थक चुका हूं यार, मेरी अपनी भी परेशानियां हैं। बड़े कब हो गए यार, इस परेशानी का हल तुम्हें ही निकालना है, और अगर देर हो गई तो नाजली चली जाएगी। कहां? मुझे क्या पता, किसी के पास भी चली जाएगी लेकिन तुमसे दूर जाएगी। सरदार के पास? सच्ची बात तो यह है कि लड़का बहुत अच्छा है वो। उल्टी सीधी बातें करके दिमाग मत खराब करो। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम अपना दिमाग खराब करो और इस फैसले पर उतरो कि तुम नाजली को सारी बातें बता दो। सोचो सोचो और मुझे नाजली की तरफ छोड़ दो भाई, ताकि मैं देखूं वहां पर खेल क्या खेला जा रहा है। यार शाम से मेरे कान में हफीजे खाला की घंटियां बज रही हैं, चिन 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 चिन, जानता हूं क्या बातें हुई होंगी। अब ये कौन है भाई? यार कितने जाहिल हो तुम। जाहिल वाहिल नहीं हो, सब समझता हूं मैं। तौबा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया किस लिए, इतनी देर तक आज हमने तुमसे काम करवाया। अरे नहीं, मैं तो काम कर लेती हूँ। एनीवेज गुड नाइट। नाजली गुड नाइट। गुड नाइट। तो कमाल में कैसा रहा, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं सर, कुछ गलत नहीं किया आपने। चलो नाजली पकड़ो मुझे, आओ बैठो यहां। मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन हुआ क्या है? चलो फिर तुम घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूं। ठीक है मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ। ओके अल्लाह हाफिज। मेहमत तुम? हाँ मैं।
रुक जाओ, जैकेट पहने रहो। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? यार नाजली बहुत अपसेट है, ओजान ने ही फिर कुछ किया होगा। ऐसा क्या हो सकता है? उसी लड़की के साथ उसके घर पे गया हो। नाजली पता नहीं क्या बोल रही थी कि फोन पे वो, मैं भी नहीं समझी। क्या 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 कह रही हो तुम? क्या 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 है, इतनी हैरान होने वाली क्या बात है इसमें? यार मैं वो ये सोच रहा हूँ कि नाजली से ही पूछ लेते हैं कि क्या किया उसने। देखो मेहमत, इस वक्त नाजली बहुत अपसेट है। ठीक है समझ गया, तुम परेशान मत हो मेरी जान। ठीक है, कल मालूम कर लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी ना मैं सारी हदों को पार कर दूंगा। ठीक है, ओजान को पकड़ूंगा और उसे रस्सियों से बांधकर घसीटता हुआ नाजली के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। ठीक है ना? सामने लाकर खड़ा कर दोगे? बिल्कुल। कभी कभी तुम बहुत ही अजीब बातें करने लगते हो। मुझे यकीन है ओजान और अमरीन के बीच में कुछ है। देखो मेरी जान आरजू, कभी कभी वो हकीकत नहीं होती है जो नजर आती है। ओजान भी बहुत। क्या बहुत? बहुत क्या? बहुत बहुत वो बहुत ही कमीना इंसान है ओजान। छोड़ो छोड़ो इन सारी बातों को छोड़ो, तुम इस वक्त नाजली के पास जाओ और उसका ख्याल रखो और अपना भी। मैं तुमसे सुबह मिलता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, गुड नाइट। क्या हुआ भाई, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या बात हुई वहां? नाजली ने क्या कहा? यार तुम घर नहीं गए अभी तक? यार तुम लोगों की क्या बात हुई? एक ही सवाल है तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए, और एक ही जवाब दे देके मैं थक चुका हूं तुम्हें। अच्छा ठीक है, वहां क्या बात हुई बताओ ना, क्या कहा उसने? बच्चे हो क्या तुम? जानते हो ना क्या कहा होगा उसने? या तो उसको सब जाके सच बताओ, या फिर अमरीन के साथ जाके खुश रहो। इसके अलावा मैं तुमसे क्या कहूं, क्या कहूं यार? ओजान बस मैं यही कह सकता हूं तुम्हें, अब बात खत्म। ये ऐसे नहीं होगा, ये बात ऐसी वैसी नहीं है, मैं सब कुछ बता दूंगा। नाजली, कहाँ जा रही हो मुझे बताओ। नाजली जवाब तो दो बात का, आखिर क्या बात है जो तुम इतनी रात को घर से बाहर जा रही हो? मैं कह रही हूँ रुको, छोड़ दो मुझे। नहीं पकड़ो। क्या हो रहा है ये सब, बता तो दो मुझे। नाजली क्या चल रहा है ये सब? सब खत्म हो गया अर्जू, सब। हेलो सरदार। आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया तुम्हें। आज दोबारा मैंने तुम्हें देखा, अपने सामने देखा, मेरे दिल में तितलियां उड़ने लगी। आरजू ने भी हमेशा मेरी बात पे यकीन नहीं किया, उसे भी लगता था कि तुम आज तक मेरे दिल में रहते हो। हमेशा उसको झुटलाने की कोशिश करती रही बेवकूफों की तरह, लेकिन ये जानती ही नहीं थी कि
तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहती रहूं, लेकिन फिर भी किसी को यकीन नहीं दिला पाती कि तुम मेरे दिल में नहीं हो। मेरे दिल के दरिया में सिर्फ तुम्हारी ही कश्ती तैरती है, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। तुम्हारा इंतजार करना ही शायद मेरी किस्मत है, और मेरा इंतजार करना तुम्हारी किस्मत। लगता है तुम्हारी राह देखते देखते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। तुम्हारे प्यार के लिए मुझे ये भी कबूल है, मैं नहीं थकूंगी। जब मैंने पहली दफा तुम्हें देखा था तो सोचा था कौन है ये पागल, और आज उस पागल के लिए ही मैं खुद पागल हो बैठी हूं। अब समझ आता है कि लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, क्यों उसे इतना बुरा भला कहते हैं। क्योंकि वो आपको होश में नहीं रहने देती। आप सो रहे होते हैं लेकिन आपकी आंखें खुली होती हैं, आप चुप होते हैं फिर भी कह रहे होते हैं, आपके कदम रुक जाते हैं आप फिर भी चल रहे होते हैं, वो भी उस मंजिल की तरफ जिसका आपको पता भी नहीं होता। ऐसी ही हालत है मेरी, मैं भी चलती जा रही हूँ और तुम भी चलते जा रहे हो। अज़ान मेरी जान, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल मत भूलना, वरना पूरी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी तुम्हें, समझी तुम? आलिया साहिबा भागे भागे, जल्दी जल्दी जल्दी, आलिया साहिबा जल्दी से लेट जाए। अरे जल्दी कहे। ओहो आलिया साहिबा, आए क्या हो गया आपको? आए क्या हो रहा है ये? आए अज़ान तुम आ गए मेरे बेटे, कहाँ थे, मर जाती तो आते। ऐसे ना कहिए आलिया साहिबा, अल्लाह ना करे, आप तो हमसे भी जवान हैं। अब वो तो ठीक है, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। आई इतनी अजियत बर्दाश्त करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही मुझ पे। मेरी जान से प्यारी मॉम, जो हर वक्त हमारे लिए फिक्रमंद रहती हैं, परेशान रहती हैं। इनका ब्लड प्रेशर चेक किया तुमने? मैं आपको बता रही हूँ अज़ान साहब, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 150/80 आ रहा है। उफ, ये तो बहुत ज्यादा है मॉम, ऐसा करते हैं आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में? नहीं बेटा नहीं, वैसे भी मेरी परेशानियों का हल किस डॉक्टर के पास होगा, मेरे गम तो अंदर है मेरे। तो क्या चाहती हैं बताइए मुझे, मैं क्या करूँ आपके लिए? हाँ चलें बताइए। मैं बस अपने आखिरी दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, तुम मत जाओ बेटा, आज के दिन तुम कहीं मत जाओ बस। ठीक है क्यों नहीं, खैर वैसे भी आज मुझे वो करना था। क्या करना था? कुछ खास नहीं मॉम, बस अमरीन के साथ कुछ प्लान था। एनीवेज अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके पास रुक जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। अमरीन के साथ? हमें तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ कहीं जाने से, करना क्या था ये तो बता दो। सोच रहा था क्या उसे प्रपोज कर दूं। आहा, गुल, हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई, उठो जरा। देखो कहाँ जा रहा है, चलिए। अरे बताओ तो कहाँ जा रहे हो, अमरीन के पास? नहीं मॉम, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ ताकि आप दोनों को एडमिट करवा सकूं। आप देख रही हैं ना इसने हमें किस तरह बेवकूफ बनाया है। देख रही हूँ आयशा गुल, देख रही हूँ, औलाद नहीं दुश्मन पैदा किया है मैंने, मेरी तो हर खुशी अधूरी रह जाती है, मारो पीट पे एक मेरे। अब क्या करेंगे आलिया साहिबा, अब जो हमारे साथ होगा वो हमें झेलना पड़ेगा। तुम अभी आलिया को जानती नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं पता ना आयशा गुल। हा? मैं वो औरत हूँ जिसके पास सोल्यूशन खत्म नहीं होते। वाह तो फिर बताइए ना हम क्या करने वाले हैं। आज वाकई खुश लग रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है मुझे भी बताओ। आज मेरे लिए अच्छा दिन है, आज सब कुछ खत्म होकर दोबारा शुरू हो जाएगा। वाकई में ऐसा होगा आज? हाँ आज ही होगा। चलो फिर देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? तो फाइनली तुम लोग आ गए। गुड मॉर्निंग अमरीन, गुड मॉर्निंग औज़ान। गुड मॉर्निंग। तुम लोग कितने अच्छे लग रहे हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। अभी बताता हूँ तुम्हें, कहाँ है ये लड़की? तुम भी चमक रहे हो।
अच्छा तो क्या वजह है इस मीटिंग की? Definitely कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। नुसरत साहब और तमाम वर्कर्स जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, आखिरकार उनको उनके रिजल्ट्स मिल गए। नाजली की क्रीम के टेस्ट के रिजल्ट बिल्कुल फैंटास्टिक आए हैं। अब सिर्फ एक आखिरी स्टेप है, बाकी के जो सैंपल्स बचे हैं उसको फाइनल टेस्ट के लिए भिजवाएंगे। ये तो बहुत जबरदस्त है ना औजान? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस स्टोरी की असल हीरोइन नजर नहीं आ रही। कहाँ है नाजली साहिबा? असल में ये सेलिब्रेशन और इसके बाद होने वाली सेलिब्रेशन की वजह ये क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। सरदार, हमने इस बारे में बात कर तो ली थी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये नाजली की ख्वाहिश है। वादे पर कायम हूं, जब तक हाँ नहीं कहती कुछ नहीं करूंगा। और हाँ, अब से हम एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। और उसके लिए पहला स्टेप यह है कि हम वीकेंड पे पेरिस जा रहे हैं, वहां होटल में ठहरेंगे। फिक्र नहीं करो, हम अलग अलग रूम्स में होंगे। क्या तुम लोग मुल्क से बाहर जा रहे हो? हाँ, यूं अजीब लग रहा है ना? मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। जाओ तुम लोग घूमो फिरो, खूब एंजॉय करो, कोई जल्दी नहीं। और वैसे भी पेरिस तो जबरदस्त जगह है। ओजान, तुम कुछ कहना चाहते थे? ओजान, 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 होश में हो? होश में आजा भाई, किन ख्यालात में खो गए हो? क्या हुआ? प्लेन में बॉम्ब की अफवाह, कैसा है? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? उसके बाद पता है ना क्या होगा? जो ये थोड़ा बहुत नाजली को देख पाते हो ना, उससे भी जाओगे बेवकूफ। जहाज हाईजैक कर ले। कर लो हाईजैक, हो जाएगा। बल्कि जहाज उड़ा के सीधा मार्स ले जाओ और नाजली के साथ वहीं पर रहना, ठीक है ना? और रास्ते में सरदार को जुपिटर ड्रॉप करते हुए चले जाना, कैसा? क्या कह रहे हो यार, क्या सोच रहे हो तुम? अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ उस लड़की से जाकर बात नहीं कर सकते? मैं उससे बात करने वाला था, लेकिन वो डब्बा। कैसा डब्बा? हाँ जानते हो, उसने हर रोज, हर दिन, हर रात उसने मुझे खत लिखा था। मेहमत किसने? नाजली ने? हाँ। नहीं हो सकता। ओ वैसे मेरे ख्याल से अगर वो तुम्हें जमीन में गाड़कर रोज सीमेंट डालती तो बेहतर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो जानता था कि ऐसा नहीं है। देख लो, ऐसा नहीं है। नाजली मुझसे इस हद तक मोहब्बत करती है तो मैं उसे किसी और के साथ जाने की इजाजत नहीं दूंगा। तो अब क्या करोगे तुम? तुमने बताया था ना तुम्हारे पास एक गन है, कहाँ है वो? उससे मैं सरदार को। ठीक है ठीक है, रुक जाओ भाई, गुस्सा मत करो। तुम कम अज कम उसके हाथ पे गोली जरूर मारूंगा। बस बहुत हो गई, कितनी फालतू बातें सोचते हो तुम। ये गन वगैरह की बातें करके मुझे मत डराओ प्लीज। हाँ तुम जरा होश में रहो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला मेरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो प्लीज। वैसे भी वो अपना सामान लेने के लिए घर तो आएगी ना, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा।
और उसे सब बता दूंगा। ये हुई ना बात। और सुनो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे। अपने आप को बचा लो और नाजली को भी। ठीक है। सर जी, ओजान साहब, क्या हैरानगी हो रही है? ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे कब्जे में एक जगह बंद हो। वाह रजब, क्या बात है तुम्हारी। तुम्हें फालतू में बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम यहां से नहीं भाग सकते। तो तुम्हें लगता है मुझे अगवा करके नाजली को हासिल कर लोगे? नाजली का नाम अपने मुंह से मत लो। अब वो तुम्हारी नहीं होगी। नाजली सिर्फ मेरी होगी। वो मेरे बच्चों की मां बनेगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लेकिन हमें पहले तुम जैसे धोखेबाजों से जान छुड़ानी होगी। ये पत्थर क्यों? तुम्हें समंदर में फेंकूंगा। कौन सा समंदर? अरे रजब, ये क्या रजब, ये तुमने कैसे नहीं सोचा? यहां पर तुम्हें क्या ऐसे बेवकूफ, तुम्हें जिस समंदर में फेंकना होगा फेंक दूंगा। मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम देख लेना, मैं तुम्हें समंदर में फेंकूंगा या पहाड़ से फेंकूंगा। अरे टाइम हो गया, टाइम नहीं है मेरे पास राजा, मुझे जाना है। मिस कर दिया है तुमने, हर चीज को मिस कर दिया है। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। ओजान का वक्त नाजली के लिए अब खत्म हो चुका है। अब रजब और नाजली हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत शुरू करेंगे। ओजान, रजब तुम मुझे, चलो चलो उठो, हम यहां से जा रहे हैं। रुको एक मिनट, रुको, मैं कुछ सोच रहा हूं, रुको। फिक्र मत करो ओजान साहब, सोचने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा। मौत के फरिश्ते ने तुम्हारी बात सुन ली होगी, वो आ रहा है। रुको रुको रुको, अरे अरे एक मिनट, अब क्या सोच रहे हो? हम तुम्हारी मर्जी का इंतजार करेंगे, चलो उठो। रुको 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 यार, रजब तुमने फालतू में अगवा किया है मुझे यार। क्या मतलब फालतू में अगवा किया है? भाई मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं नाजली के साथ एक ऑफिस में काम करता हूं। चुप करो, दोबारा बेवकूफ बना रहे हो। चलो उठो, मैं ऐसी बातों में नहीं आऊंगा। अरे मेरे भाई यकीन करो मेरा, लेकिन हकीकत यही है कि मैं नाजली को पूरी तरह से भूल चुका हूं। ये तुम सही कह रहे हो। देखो तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तो उस जॉब से रिजाइन देने का भी सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, मुझे नौकरी की जरूरत है। मॉम है, मेरी छोटी बहन है, वो लोग घर पे मेरा इंतजार करते हैं, खाना लेकर जाना होता है मुझे। सही बात है, खाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, चाहे नाजली से खूबसूरत नहीं मगर प्यारी है। छिछोरे कहीं के, तुम बहुत तेज हो। लेकिन एक और बात, तुम्हारी मदद करना भी मेरा फर्ज तो बनता ही है। तुम्हें खतरा किसी और का है। किसका है? हमारे ऑफिस के बॉस से खतरा है तुम्हें। देखने में लंबा चौड़ा है लेकिन असल में बिल्कुल डरपोक है। एक दफा अगर तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लिया ना, फौरन दुम दबाकर भाग जाएगा वहां से। नाजली के पीछे पड़ गया है वो, ले जाएगा उसे। अच्छा तो ये बात है भाई, वो आज रात नाजली को पेरिस लेकर जा रहा है, सुन लिया तुमने? नहीं ले जा सकता, नहीं ले जाएगा।
मैं नाजली को उस शख्स के साथ कभी भी नहीं जाने दूंगा, देख लेना तुम। आराम से रुक जाओ, हर चीज का तरीका होता है। एक आइडिया है मेरे पास। बताओ अपना आइडिया। लेकिन जरा खतरा है। इसमें खतरे की क्या बात है? जब बात नाजली की आ गई तो फिर तो मैं उड़कर भी चला जाऊंगा। शेर है मेरे भाई, तू शेर है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाहिर है ये तुम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते तो हम मर जाएंगे क्या? तुम वैसे भी हो किस काम के? तुम तो वो चिल्लर हो जिसको फकीर भी नहीं लेते। मैं अकेला ही जाऊंगा, बताओ। तो फिर सुनो, आरज़ू, मेरी बहन कहो मुझसे कि मैं यहां से चली जाऊं। जाओ और पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफा होगा। इस पर सिर्फ अच्छी चीजें लिखना और किसी बात का ना सोचना। जाओ मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना मेरी जान। अगर तुम मुड़कर नहीं देखोगी तो सब ठीक रहेगा और माजी की तमाम ही बातें सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगी। और याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा ही हो। चलो जाओ, सरदार इंतजार कर रहा है तुम्हारा। रुक जाओ नाजली, हमें बात करनी है। छोड़ो मेरा, दूर रहो मुझसे रजा, हटो। आखिरी दफा मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसे ना करो नाजली। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, हटो, दूर हो जाओ। नाजली खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो। नाजली सुनो, ठीक है ऑफिसर साहब, ये ठीक रहेगा। सर अब आप अपनी गाड़ी को भूल जाएं, उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। तुम लोग यहां इंतजार करो कमाल, हम जल्दी आ रहे हैं। सरदार तुम? हेलो, वो नाजली कहां है? वो कुछ भूल गई है क्या यहाँ? क्या मतलब? वो अभी अभी तो बैठकर तुम्हारी गाड़ी में यहाँ से गई है। क्या गाड़ी हुआ में बैठकर?
ये क्या किया कमाल, आदमी गाड़ी से टकरा गया। भाई भाई आप ठीक तो हैं? अपने गांव में भी नहीं हूँ और मेरे हाथ भी चले गए। आए कसम से मेरे गुर्दे भी खराब हो गए, सब चले गए, मेरा दिमाग। कमाल जल्दी एम्बुलेंस बुला। भाई साहब कहीं जख्म तो नहीं है? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, हाय अल्लाह मेरी माँ। अब भाई साहब आप सर ये गाड़ी। अरे रुको रुको, गाड़ी चोरी हो गई। अब गाड़ी चोरी करने वाले ने नाजली को किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया है क्या मतलब? नाजली को कौन ले गया है? उस गाड़ी में कौन था? अच्छा ठीक है। नाजली को कुछ होना चाहिए, देखो कुछ करो। आप अंदर इंतजार करें, पुलिस को कॉल करें, मैं उसको ढूंढता हूँ, आप फिक्र मत करें। जाओ तुम उसे जल्दी ढूंढो। आप बाहर नहीं निकलिएगा, मैं नाजली को ढूंढता हूँ। कमाल पुलिस को कॉल करो, गाड़ी चोरी करने वाले ने नाजली को किडनैप कर लिया। आजू साहिबा के पास इंतजार करो, कोई बात हो तो मुझे कॉल करना। ये क्या है यार, ये क्या है, बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी है। किसने गाड़ी खड़ी की है यहां पर? क्या इसमें तो कोई भी नहीं है, दरवाजे भी लॉक हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसे कोई गाड़ी पार करता है क्या? हम तो गांव में भी बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी नहीं करते थे। चलो छोड़ो, अभी गाड़ी रिवर्स करनी होगी हमें। थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर नहीं था, किसने इस मुसीबत को यहाँ लाके रख दिया, या ये खुद यहाँ पर आ गया? भाई तुम कौन हो, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो हैं? बताओ मुझे उधर क्या देख रहे हो? ओजान मेरी नाजली, ओजान छोड़ो उसे, ओजान निकलो तुम, उसे छोड़ दो तुम, ओजान जाओ छोड़ो मुझे, रुको तुम, मुझे जाने दो, वो उसको लेके जा रहा है। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, वो उसे लेके जा रहा है। जल्दी जाओ जल्दी, ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, छोड़ दो उसे, नहीं ले जा सकते उसे, छोड़ दो ओजान, नाजली ओजान छोड़ दो मेरी नाजली को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ओजान, जल्दी जाओ छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे, रुक जाओ ओजान, ओजान क्या किया तुमने? हाँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? तुम्हारी वजह से हुआ है। इंसान सिर्फ तुम्हारी। चुप हो जाओ, छोड़ूंगा। चुप हो जाओ। हेलो आरजू, अरे मेरी जान रो क्यों रही हो, प्लीज रोना बंद करो, रिलैक्स, तुम्हारे साथ कौन है इस वक्त? तुम आराम से और होशियारी से जरा उससे दूर हो जाओ, जो कह रहा हूँ वो करो, तुम रोना बंद कर दो प्लीज, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो, नाजली बिल्कुल ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। हर चीज खत्म हो गई, अब हम जा रहे हैं नाजली, जैसे मैंने कहा था, जब तक गाड़ी के पहिए साथ देंगे हम लोग जाते ही रहेंगे, जब तक हमारी सांसें चलेंगी, अब हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, हम दोनों एक ही डाल पर खिलने वाले फूल हैं नाजली। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम और अजब एक साथ हो गए हो? तुमसे कह रही हूँ नाजली, मैं सब कुछ बताता हूँ, आराम से बैठो जरा। गाड़ी रोक दो वरना मैं दरवाजा खोल के कूद जाऊंगी। नाजली नाजली रुक जाओ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं दरवाजा खोल के कूद जाऊंगी, रोको। नाजली रुको रुको, नाजली नाजली रोकते क्यों नहीं हो गाड़ी? अच्छा, रोको, रोक रहा हूं, मैं गाड़ी रोक रहा हूं। मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, रोको रोको बस। नाजली एक दफा तो मेरी बात सुन लो प्लीज, नाजली 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 एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, बात सुनो नाजली नाजली, बस यहीं पे रुक जाओ प्लीज। क्या बताना चाहते हो मुझे तुम ओजान?
तुमने जिंदगी तबाह कर दी है मेरी, मेरे सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं तुमने। जानते हो हर रात रोई हूं मैं, तुम्हारा नाम ले लेकर सिसकती रही, अपने आंसुओं में मैंने फूलों को भी गीला कर दिया, तुम्हें भूल जाने के लिए मैंने हर रात तुम्हें खत लिखे। जानता हूं तुम्हें भूल जाने के लिए सिर्फ समंदर में कूद जाना ही रह गया था, लेकिन नहीं कूदी। क्यों कर रहे हो तुम ये मेरे साथ, क्यों? क्योंकि मुझसे मोहब्बत करती हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना, और अब चीख चीख के कहूंगी, और इस दफा इतनी जोर से चीखूंगी कि मेरी आवाज बंद हो जाएगी। मैं तुमसे मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार सकता था, तुमसे दूर होकर, तुम्हें दूर दूर से देखकर ही, हमेशा तुम्हारा पीछा करते हुए। तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें खुश नहीं देख पाया मैं, वैसा खुश जैसा तुम गांव में हुआ करती थी, अपने फूलों, तितलियों, बकरों से बात करते हुए। याद है ना तुम्हें, जब तुम उनसे बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे बारे में बात कर रही हो तुम उनसे। मैं कभी तुम्हारे सामने ना आता, खुद से वादा किया था मैंने कि कुछ भी हो जाए मैं ही तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगा। हां, मैं पास ही था तुम्हारे, और तुम ये बात जानती तक नहीं थी, खुद छुपा रहा। जिस दिन तुम्हारा पर्स चोरी हुआ, जिस दिन तुम गाड़ी से टकराई और हॉस्पिटल गई, मैं वहां भी तुम्हारे पीछे ही था। मेरे बस में कुछ नहीं था, तुमसे दूर होना शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। मैं मत कहता रहा कि तुम्हें जाकर सब बता दूं, तुम समझोगे, लेकिन मुझे डर था नाज़ली। निकाह वाले दिन तुम्हारे बाबा ने मुझे कॉल की और कहा कि अगर मैंने शादी के लिए हाँ बोला तो वो तुम्हें फ्रॉड के केस में फंसवा देंगे। मैं बहुत मजबूर था नाज़ली, कैसे बताता ये सब, हर चीज तुम्हारे खिलाफ थी उस वक्त। अगर तुम्हें सजा हो जाती और तुम जेल चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता नाज़ली, मैं ये सब नहीं देख सकता था। हो सकता है मैं भी कोई जुर्म कर बैठता फिर, या फिर जेल में नौकरी ढूंढ लेता कोई, दूर नहीं रह पाता, वकील बन जाता, पुलिस वाला बन जाता, लेकिन तुम्हारी हिफाजत करना कभी नहीं छोड़ता। शायद तो मुझे कभी भी अपने आसपास नहीं देख पाती, लेकिन मुझे सिर्फ जहां भी देखता हूं तुम ही नजर आती हो। अपने आसपास हर किसी में मुझे तुम्हारी शक्ल नजर आती है, यहां तक कि टैक्सी में बैठने वाला हर मुसाफिर, तुम ही लगती हो मुझे। अमरीन में भी तुम ही नजर आई मुझे, अगर मैं कुछ और देखने की कोशिश भी करता हूं तो तुम मेरा मुंह मोड़ देती हो अपनी तरफ, मेरे होश उड़ा देती हो, मेरे अंदर हो तुम, और मैं तुम बन चुका हूं हमेशा के लिए। एक बात कहूं तुमसे, अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो तो मेरे आने की दुआ भी ना मांगा करो। लेकिन सुन लो, चाहे जो हो जाए, मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगा। Ben korkumu kara kışlara, hüznümü baharlara, umudu nice yazlara sardım. Mein tumse mohabbat karti hoon. Ben korkumu kara kışlara, tum sirf meri, hüznümü baharlara, umudu nice yazlara sardım.
वाह भाई, क्या मूवी का सीन चल रहा है यहाँ पर। हाँ लेकिन ये मूवी हैप्पी एंडिंग वाली है। नहीं नहीं रुकिए, अभी खत्म नहीं हुई। अभी तक इसे छुपाए हुआ था। हाँ आज के लिए। क्या आप नाज़ली आईजे ओज़ान एकनसोय को अपना शौहर कबूल करती हैं? हमेशा हमेशा के लिए। और क्या आप ओज़ान एकनसोय नाज़ली आईजे को अपनी बीवी कबूल करते हैं? बताइए। हाँ हमेशा के लिए। ब्रावो! तो फिर मैं इस खूबसूरत घड़ी में अपने गवाहों के सामने आप दोनों को मियां बीवी डिक्लेयर करती हूँ। अब आप किस कर सकते हैं? तो चले यहां से। हमने आपको एक कहानी सुनाई, हो सकता है आपको छोटी लगी हो लेकिन थी भरपूर। एक ऐसी कहानी जो कई सौ साल तक बार बार सुनाई जाएगी। लेकिन असली जिंदगियों की कहानी में कभी हैप्पी एंडिंग होता है और कभी नहीं, हमें ये मालूम है। लेकिन सब भूल जाएं और ये फूल ले लें, ये आपके लिए है। और सुने, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका हाथ कभी मत छोड़िएगा, चाहे वो आपका हाथ छोड़ दे।